हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग थे मायापुर इस्कॉन में, और अभी घर आने का टाइम हो गया। तो हम भोर भोर निकल गए वहाँ से सारे सामान पैक करके, और ये देखिए अभी भी अंधेरा है। शायद फ़ोन में रोशनी दिख रहा है, बट हम लोग जब निकले तो 3:30 बजे थे, तो अंधेरा था बहुत। जब वापस जा रहे थे हम लोग, तो देखिए दो टाइप का इमोशन काम कर रहा था। एक था कि गम कह सकते हैं इसे, या थोड़ा सा दुख कि इतने अच्छा जगह छोड़ फिर से वापस जाने का, और दूसरा कि एक खुशी कि एक लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस मिला जो कि आम दिनों में आपको नहीं मिलेगा। इतना भगवान का नाम, प्यार और सभी लोगों का इतना अच्छा व्यवहार, तो सब कुछ मिलके काफ़ी अच्छा लगा हमें। वो देखिए मंदिर जो तैयार हो रहा है, दूर दिख रहा है वहाँ पे। देखो आते टाइम सामान तो कम था, बट जाते टाइम बहुत सारा सामान हो गया, क्योंकि सबके ड्राइंग का कैनवास था। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदा, ये देखिए हाथ में एक तारा है, जो मैंने एक और मेरे दोस्त ने दो ख़रीदा था। बट मैं बताऊं तो घर पे आके मैं उसका दूसरा वाला भी ले लिया एक तरह, क्योंकि मुझे बजाने का मन हो रहा था और शायद ना मिले यहाँ पे, इसलिए मैं उसमें तो अपने भाई बहन को ले लिया था। कह रहा था कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमको ले जाने में काफ़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि ड्राइंग वाले सारे कैनवास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ गए। उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें भी थे। यहाँ पे आके दूसरा पंगा हो गया। यहाँ पे आके जेटी घाट पे ऐसे तो वैसल नहीं था, अब नाव से ही जाना पड़ेगा। अब कितने देर तक, आधा घंटे तक वेट करने के बाद एक नाव आया। अब आया बट वो वाला जाएगा नहीं, सब लोग हम उन पे उस नाव पे चढ़ गए। उसके बाद पता लगा कि वो नाव नहीं जाएगा, सब लोग फिर से वापस इधर से उधर ऐसे करके चलाएंगे। बहुत तो किसी तरीके से हमें जाने का मौका मिला। ये देखिए मशीन, दिल में आ रहा कि ये वाला छोटा वाला जनरेटर हमें उस पार ले गया, कहीं डूब जाते तो। ऐसी बातें बोलना नहीं हम सब दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, ये जो सामने लड़का खड़ा है, ये मूंछों वाला हमारा दोस्त है, रूम पार्टनर है। इससे ज़्यादा मुलाकात कभी नहीं हुआ, पहले रूम पे ही पहली बार मुलाकात हुआ, बट इस दिन के बाद से और भी कई जगह पे इससे मुलाकात हुआ है। और ये लड़का सच में टैलेंटेड है, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि सच में टैलेंटेड है। थोड़ा हमसे नहीं पढ़ रहा था इसका बात, बट देखा कि आर्ट के फील्ड में सच में बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके कुछ काम शायद आपको दूसरे ब्लॉग्स में मैंने दिखाया है। ये मायापुर वाला ब्लॉग बहुत लेट से अपडेट हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि ये ब्लॉग छोटे छोटे पीसेस में था, उसे जोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मन नहीं कर रहा था, तो फिर भी देखिए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा, वैसे मिडिल वाला जर्नी दिखाने की जरूरत नहीं है। ट्रेन पकड़ा, बस पकड़ा, पहले ही मैंने दिखा दिया ये सब कैसे आए थे, बिल्कुल उसी तरीके से वापस आए। अच्छा, तरीका एक ही बदला हम लोगों ने कि बीच में हावड़ा में पहुँच के वहाँ से दूसरे ट्रेन नहीं मिला, मतलब ट्रेन इतों से सामने के फर्क से चला गया और ट्रेन में जा नहीं पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से धर्मतला आके वहाँ से बस पकड़ लिया और बस से सीधा घर। ऐसा ही करना पड़ा क्योंकि दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उस दिन रात को 8 बजे ट्रेन था और हम दोपहर को तो इतना ही था इस ब्लॉग में। और ये मैं घर पे आके गले उठा रहा हूँ, काम नहीं है कोई। तो कैसा रहा मेरा मायापुर इस्कॉन का सफ़र? एक्चुअली हमारा काफ़ी बढ़िया रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिला कि हम खुद अपनी संस्कृति को नहीं जानते जितना ये फॉरेनर लोग जानते हैं। यहाँ पे आके जो सबसे बढ़िया चीज़ लगा और मैंने सीखा कि हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को खोते जा रहे हैं। हम रोज़मर्रा के काम पे इतना खो जा रहे हैं कि भगवान को याद भी नहीं कर रहे हैं दिन में, सिर्फ याद करते हैं बुरे टाइम में। ठीक है, ये बात सच है, आप मानो ना मानो, सिर्फ बुरे टाइम में ही आप याद करते हो भगवान को। और यहाँ पे हमारे कल्चर, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें प्रभावित होके बाहर के लोग, जो लोग ये भाषा भी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, वो लोग यहाँ पे आके सीख के पढ़ रहे हैं, या फिर ट्रांसलेटेड किताब जो है वो पढ़ के यहाँ पे अपना धर्म ही चेंज कर रहे हैं सनातन धर्म में। ठीक है, और कहूँगा काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ेदार रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिले, उनका काम देखा, उनको जाना पहचाना, उनको अपना काम दिखाया। मेरा तो 30 मिनट में ही खत्म हो गया था, बस बाकी सबको घूम घूम के देख रहा था मैं कौन क्या कर रहे हैं। तो वो वाला पार्ट तो सबसे बढ़िया था आज के दिन का। बट खत्म होने के बाद हम वो प्राइस सेरेमनी में नहीं गए, अब बाकी कुछ चीज़ें खरीदने चले गए थे, क्योंकि खरीदने का टाइम ही नहीं मिलेगा, नहीं तो कल जाना है, पैकिंग भी करना है। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर, टेक केयर। अगर फिर से मौका मिला यहाँ पे आने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। जो जो भी हुआ था, जितना हो सके रिकॉर्ड किया, आप सबको दिखाया, और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, बट जो लोग भी हैं उनको सबको थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट कर देना अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना।